फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर थालपोस लाई हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान है, आप बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्रूसिया चलाने आना चाहिए। तो आप लोग जल्दी से इसको स्टार्ट कीजिए बनाना, और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हैं वो लाइक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। ये देखिए, ये थालपोस बनाने के लिए मैंने रेड कलर का ऊन लिया है, और ये मेरा 3 प्लाई का ऊन है, और ये क्रोशिया हुक मेरा 9 नंबर का है। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगी, 5 चेन बनाऊँगी मैं। ये एक हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन बनाने के बाद हम इसको इसी में ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच करते हुए हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ पे मैं 5 चेन ले लूँगी, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे मैं ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए हमें 2 बार रैप करना है धागे को, और ये देखिए ऐसे 1 बार गिराया, 2 बार गिराया, और 1 बार इसी में रहने देंगे। हम फिर से लेंगे 2 बार और फिर से बनाएंगे। देखिए 3 हुआ हमारा, 1 बार और करेंगे। ठीक है, ये 4 हो गया हमारा, 4 को एक साथ गिरा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम रिपीट वही करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये बनाना बहुत आसान है, आप एक बार ट्राई करोगे तो आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। 2 बार किया और ये 3 बार। अरे 4। फिर हम सभी को एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम 1, 2, 3 चेन ले लेंगे फिर से, और फिर से हम रिपीट यही करेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि आगे क्या करना है। ये देखिए, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने 7 टाइम किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बार मैंने किया है इसको। ये देखिए, अब यहाँ पे फिर मैंने 3 चेन बनाया, और ये वाला जो हमारा है ना, इसी में हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम चेन लेंगे 3। पहले 3 चेन लेने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे, तो 1 और ये 2 हमारा हो गया डबल क्रोशिया, 3 हो गया, ये 4 5 ये 6 हो गया। ठीक है, तो 1 में हमने 6 कर लिया। अब ये बगल वाले में भी हम 6 करेंगे। ये देखिए, बगल वाले चेन में भी हमने 6 किया।
छः इधर गया, छः इधर गया, तो जितने हमारे तीन तीन चेन हैं वो सब में हम छः छः डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये राउंड हमें ऐसे ही करना है, ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो मेरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मैंने सब में छः छः डबल क्रोशिया किया है। अब यहाँ पे मैं इसको लास्ट वाले चेन में, ये देखिए ये वाला जो लास्ट वाला चेन है ना, इसी में हम इसको ज्वाइंट कर लूँगी और रेड कलर मैं कट कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, या नहीं भी कट करेंगे तो भी चलेगा, ये वाला हम नीचे ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ से हम वाइट कलर करेंगे, क्योंकि हमें वाइट कलर एक ही रो करना है तो हम नहीं भी कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम वाइट को लेंगे यहाँ पे, पहले हम खोल लेंगे एक यहाँ से, ये देखें यहाँ पे जो जहाँ पे मैंने जॉइंट किया है यहाँ से हम अंदर ऐसे डालेंगे और ये वाइट कलर को लेंगे यहाँ पे। ये देखें हमारा वाइट कलर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको टाइट कर लेंगे रेड वाले को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेन बना लेंगे, तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद इसी में हम एक और कर लेंगे, ये जो हमारा है ना ये वाला, इसी में हम एक डबल क्रोशिया कर लिया। ठीक है, अब ये मैंने दो किया, फिर एक चेन बनाया, फिर से इसी में मैं दो करूँगी, एक दो, और फिर से यहाँ पे चेन बनाऊँगी एक, फिर यहाँ पे एक, और ये दो डबल क्रोशिया कर लेंगे। ठीक है, डबल क्रोशिया ही हमें करना है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम एक और ये दो चेन ले लेंगे। दो चेन लेने के बाद फिर ये जो यहाँ पे है इसमें हम फिर से वही बनाएंगे, देखिए एक दो डबल क्रोशिया किया। ठीक है, दो डबल क्रोशिया करने के बाद फिर यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, फिर से हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक और ये दो डबल क्रोशिया कर लिया, फिर से एक चेन बनाया और फिर से इसमें हम दो डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक और ये दो। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फिर से हम दो चेन बना लेंगे। दो चेन बनाने के बाद देखिए ये जो हमारा छः बीच में किया है ना उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इसमें करना है दो डबल क्रोशिया, एक ये दो डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चेन बना लिया, फिर इसी वाले में फिर दो डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन बनाया और फिर दो डबल क्रोशिया किया। इस तरह से, ठीक है, फिर यहाँ पे दो चेन बनाएंगे तो ये हमारा इस तरह से बन रहा है, ये देखिए। ठीक है, एक ही में हमें ये करना है, छः दो करके फिर एक चेन बनाना है, फिर दो करना है, फिर एक चेन बनाना है और फिर यहाँ पे हमें दो चेन बनाना है। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं आप। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे दो चेन बना के और ये लास्ट वाले चेन में मैं इसको ज्वाइंट कर लूँगी, एक चेन बना के इसको मैं कट कर लूँगी वाइट वाले को। ठीक है, वाइट वाला मैं कट कर दिया। ये देखिए मेरा नीचे रेड वाला था, अब यहाँ पे मैं रेड वाले से ये वाला से शुरू वाले डबल क्रोशिया से मैं इसमें इसको निकाल लूँगी। देखिए ये मैंने निकाल लिया। वे निकालने के बाद हम यहाँ पे पहले तीन चेन बना लेंगे। तीन चेन बनाने के बाद इसी में हम एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे, इसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसमें हम जहाँ पे एक चेन बनाया ना, जहाँ पे एक चेन बनाया है वहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया करेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक में मैंने एक किया, एक में मैंने दो किया, अब ये बगल वाले में मैं एक करूँगी, इस वाले में मैं दो डबल क्रोशिया करूँगी, ठीक है, और इसमें फिर एक करूँगी, ठीक है। ये इस तरह से हो गया हमारा। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने चेन बनाया था यहाँ पे इसमें मैं चार डबल क्रोशिया कर लूँगी, एक दो तीन और ये चार, देखें। अब ये वाला जो है यहाँ पे इसमें हम एक करेंगे, एक कर लिया। अब जहाँ पे मैंने एक चेन डाला था, देखिए दो करके और एक यहाँ पे मैंने चेन डाला था, तो जिसमें मैंने एक चेन डाला था उसमें दो डबल क्रोशिया करेंगे। तो सेम रिपीट हम ऐसे ही पूरा राउंड करेंगे। देखिए जहाँ पे मैंने चेन नहीं डाला था वहाँ पे एक डबल क्रोशिया करूँगी, और जहाँ पे मैंने चेन डाला था वहाँ पे दो डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इसमें एक। तो ये राउंड हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा। ये देखिए इसमें फिर मैं चार कर लूँगी, जहाँ पे दो चेन बनाया ना वहाँ पे मैं चार डबल क्रोशिया करूँगी। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ, एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ये बनेगा, यहाँ पे देखिए एक दो एक दो एक और फिर चार यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ऐसे ही रिपीट हुआ। ये देखिए ये रो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर से मैं एक दो तीन चेन ले लिया, तीन चेन लेने के बाद इसी में हम एक ये दो, ये देखिए एक दो तीन चार हमारा हो गया, चार को एक साथ हम गिरा लेंगे। फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन ले लेंगे, तीन चेन लेने के बाद हम एक दो तीन चार को छोड़ के इस वाले में हम फिर से, देखिए ये मैंने गिराया नहीं, फिर से डबल क्रोशिया किया, ये नहीं गिराया, फिर लिया ये फिर से। तो हम चार बार करने के बाद ये पांच हमारा हो जाएगा और पांचों को एक साथ गिरा लेंगे, तो ये हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से मैं तीन चेन लूँगी और फिर से एक दो तीन और ये चार छोड़ के इस वाले में हम फिर से रिपीट करेंगे। देखिए ये मैंने गिराया नहीं, ये देखिए फिर से नहीं गिराया, फिर से नहीं गिराया, ये फिर से नहीं गिराया, और ये मैं एक साथ सभी को गिरा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक दो तीन चेन ले लेंगे, देखिए फिर यहाँ पे एक दो तीन चार को छोड़ के इस वाले में निकल लेंगे, दो तीन ये चार, ठीक है। अब ये चारों को एक साथ गिरा लें, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको आगे क्या करना है। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अब यहाँ पे ये लास्ट में मैं देखिए ये तीन चेन बना लूँगी यहाँ पे, एक दो और ये तीन, ठीक है फ्रेंड्स। तीन चेन बनाने के बाद मैं इसी में मैं इसको जॉइंट कर लूँगी, ये वाला लास्ट वाला चेन में, ठीक है ये जॉइंट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक दो तीन चेन लिया, अब फिर यहाँ पे भी वही रिपीट मैं करूँगी, दो बार किया तीन बार और ये चार, फिर एक साथ इसको गिरा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक दो तीन और ये चार चेन लेंगे, नीचे मैंने तीन चेन लिया था ऊपर मैं चार चेन ले रही हूँ,
ताकि झोल ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब और सेम वही रिपीट करना है, सिर्फ नीचे मैंने 3 चेन लिया था, ऊपर मैं 4 चेन ले रही हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे 4 चेन ले लूँगी। देखिए 4 चेन ले लिया। अब फिर इसमें मैं 1, ये 2, 3 और ये 4, 4 हमारा हो गया। और फिर ये मैंने एक साथ इसको गिरा दिया ये इस तरह से। तो इस तरह से मैं 1, ये 2 और 1 रो और करूँगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर ज्वाइंट कर रही हूँ। जैसे नीचे मैंने वाइट कलर ज्वाइंट किया था, वैसे ही मैं ऊपर भी ज्वाइंट कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैं चेन बना लूँगी पहले 3। ये देखिए 3 चेन बना लिया। अब 3 चेन बनाने के बाद इसी में मैं ये जो चेन बना ना 5, देखिए यहाँ पे मैंने 3 बनाया था चेन, यहाँ पे 4 और इसमें 5 चेन बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसी में एक और डबल क्रोशे करूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चेन बनाऊँगी, फिर 2 और इसी में डबल क्रोशे करनी है हमें। ठीक है, फिर एक चेन बनानी है और फिर 2 और डबल क्रोशे कर लेनी है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कोई चेन हम नहीं लेंगे, ये बगल वाले में देखिए 1 बनाया, 2 बनाया, फिर एक चेन बनाया, फिर यहाँ पे 2 करूँगी, फिर यहाँ पे एक चेन बनाऊंगी, फिर 2 और डबल क्रोशे करूँगी, ठीक है। अगर आपको लगता है झोल हो रहा है तो आप एक यहाँ पे चेन भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये देखिए 2 डबल क्रोशे कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशे करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशे करेंगे। तो ये राउंड हमारा व्हाइट से ऐसे ही कंप्लीट होगा। व्हाइट से राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए, फिर मैं एक बार बता रही हूँ, देखिए ये 2 मैंने डबल क्रोशे किया, फिर एक चेन बनाया, फिर 2 डबल क्रोशे किया, फिर एक चेन बनाया, फिर 2 डबल क्रोशे किया, एक चेन बनाया, फिर 2 डबल क्रोशे किया, एक चेन बनाया। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं वाइट कलर कट करके रेड कलर ज्वाइंट, देखिए सबसे पहले मैं ये इसको ज्वाइंट कर ले रही हूँ इस तरह से। ये देखिए जो चेन है ना, उसी में हम इसको ज्वाइंट कर ले रहे हैं। एक चेन बना लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। जब आप बनाने लगोगे ना, बहुत आसान लगेगा। और आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आधा वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पे जहाँ पे ये वाला जो चेन है ना, एक चेन मैंने इधर बनाया था, यहीं पे इसको निकालेंगे ना रेड वाले को। और यहाँ से हम पहले 3 चेन बना लेंगे इसका, ठीक है। और इसमें हम एक और डबल क्रोशे कर लेंगे, ठीक है। ये वाला जो हमारा है, इसमें हम एक करेंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए, और यहाँ पे जहाँ पे एक चेन बनाया है, वहाँ पे हम 2 करेंगे। ये देखिए, देखिए यहाँ पे 2 किया। अब इस वाले में हम 1 करेंगे, फिर यहाँ पे हम 2 कर बना लेंगे डबल क्रोशिया। और फिर यहाँ पे हम 1 ही बनाएंगे,
और फिर यहाँ पे हम दो बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया था दो डबल क्रोशिया एक चेन, दो डबल क्रोशिया एक चेन, फिर इस वाले चेन में भी वैसे ही बनाया था। तो जो यहाँ पे हमारा पार्ट है ना, इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए नीचे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इसमें चार बनाया था, ठीक है, और इधर हमने एक एक बनाया था, एक फिर दो फिर एक फिर दो और इसमें चार। अब ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम दो बना रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये बगल वाले में फिर हम एक बनाएंगे, इसमें हम दो बनाएंगे। तो सेम हमारा नीचे जैसा ही रिपीट करना है, सिर्फ हमें चेंज क्या करना है यहाँ पे कि इसमें मैंने नीचे चार बनाया था और यहाँ हम दो बना रहे हैं, ठीक है। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं आगे क्या करना है। ये देखिए ये रेड का राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेम टू सेम जैसे मैंने नीचे बनाया वैसे ही बन गया। सिर्फ मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे हमें दो करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद हम इसी में हम तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना लिया। अब इसी वाले में फिर से हम जैसे नीचे बनाए थे वैसे ही हम बनाएंगे। ये दो हो गया तीन और ये चार हो गया, ठीक है। चार बना के फिर हम, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए हम इसमें दो चेन बनाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ हमने स्टार्टिंग में तीन चेन बनाया था, यहाँ हम दो बना रहे हैं चेन, और एक दो ये तीन, चौथे वाले में हम एक दो तीन और ये चार, चार बना लिया। चार बनाने के बाद ये हम चारों को एक साथ गिरा लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे दो चेन बनाया और फिर हम एक दो तीन चार छोड़ के यहाँ पे हम एक दो तीन और ये चार करेंगे, ठीक है। और ये हमारा राउंड ऐसे ही कंप्लीट होगा पूरा फ्रेंड्स, ठीक है। ये इसी तरह से कंप्लीट होगा और ये जैसे नीचे मैंने बनाया एक एक चेन बढ़ाते गए सभी रो में, वैसे ही एक एक चेन बढ़ाते हुए हम ये चार रो बना लेंगे। देखिए यहाँ पे एक दो तीन मैंने बनाया, यहाँ पे मैं चार रो बनाऊँगी। तो इतना बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि आगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर मैंने दो चेन बनाया है, अगले राउंड में हमें तीन चेन बनाना है, फिर चार चेन बनाना है, फिर पांच चेन बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमें रिपीट वाइट करना है। तो मैं पहले चार ये करके फिर दिखाती हूँ आपको कि आगे क्या करना है। ये देखिए ये मैंने ये राउंड कंप्लीट करके, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः रो किया है, एक मैंने ये किया है और ये छः किया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैंने यहाँ पर वाइट ज्वाइंट किया है, व्हाइट से अब हम जो नीचे जैसे बनाए थे वैसे ही यहाँ पे बना लेंगे। तो ये देखिए ये तीन चेन मैंने बना लिया है जॉइंट करके, और फिर उसके बाद एक और डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, फिर यहाँ पे चेन बनाएंगे और फिर से ये एक और डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर दो और डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब यहाँ पे चेन नहीं लेंगे हम, एक भी चेन नहीं लेंगे और इसमें भी हम वैसे ही कर लेंगे। दो डबल क्रोशिया करना है और एक चेन बनानी है। इस तरह से, ठीक है। फिर देखिए चेन नहीं हमें लेना है और फिर वैसे ही बनाना है दो डबल क्रोशिया। देखिए एक दो हो गया हमारा, फिर एक चेन बनाया, फिर से यहाँ पे दो डबल क्रोशिया करनी है, फिर एक चेन बनानी है और फिर दो डबल क्रोशिया कर लेनी है।
ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बनके तैयार होगा। फिर अगले रो में हम सेम ऐसा ही कर लेंगे जैसे मैंने नीचे किया है, लेकिन यहाँ पे दो डाला है वो एक डालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर हम एक दो और ये तीन, तीन रो करके फिर मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये वाइट करने के बाद तीन रो और मैं रेड से करूँगी, और ये एक चार रो, फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए ये मेरा रेड से कंप्लीट हो चुका है, अब मैं वाइट से डाल रही हूँ। तो वाइट से मैं कैसे डालूँगी ये आपको दिखा। ये देखिए मैंने तीन चेन बना लिया है जॉइंट करके वाइट वाला, ठीक है फ्रेंड्स। अब तीन बनाने के बाद ये देखिए मैं इसमें एक और डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो दो डबल क्रोशिया करना है और ये हमें एक साथ निकाल लेनी है। अब यहाँ पे मैं तीन चेन बनाऊँगी और बगल वाले में फिर से दो डबल क्रोशिया कर लूँगी, और ये जो तीनों हमारा है एक साथ निकालूँगी, एक साथ हम निकालेंगे उसको, ठीक है। देखिए ये तीन बार मैंने ये चेन बनाया, तीन चेन, देखिए तीन चेन बनाने के बाद देखिए हम इसमें डालेंगे, और इसमें एक बार डबल क्रोशिया किया, ये गिराया नहीं, जैसे नीचे डिजाइन बनाया है ना रेड से वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे हम दो बना रहे हैं, ठीक है। कि ये मेरा थोड़ा सा ऊन मोटा है तो इसलिए मैं दो टाइम ही कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फिर मैं तीन चेन बनाऊँगी और इसमें फिर से दो डबल क्रोशिया कर लूँगी, एक साथ गिरा लूँगी। तो ये हमारा डिज़ाइन ऐसे बन के आएगा। तो ये राउंड पूरा करने के बाद फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना। ये देखिए ये मेरा वाइट का रो कंप्लीट हो चुका है। मैं ये लास्ट वाले में इस तरह से जॉइंट कर लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा जॉइंट हो गया, ये पूरा राउंड हमारा वाइट से कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो चेन डाला हुआ है इसमें मैं डाल दूँगी, और ये वाला यहाँ पे मैं तीन चेन ले लूँगी। ये देखिए तीन चेन लेने के बाद फिर इसमें हम एक और ये बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम पफ बना लेंगे, पांच का पफ बनाएंगे, दो तीन चार और ये पाँच, ठीक है। पाँच बनाने के बाद फिर हम इसको सारे को निकाल लेंगे, ऐसे बांध लेंगे, और ये वाला जो शुरू का चेन है इसमें हम डाल के स्लिप स्टिच ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम फिर से आठ चेन बनाएंगे, पाँच छः सात और ये आठ, ठीक है। आठ चेन बन गया। अब हमारा आठ चेन बनने के बाद ये एक दो और ये तीन, ये तीनों छोड़ के इस वाले में हम फिर से एक डबल क्रोशिया और ये दो डबल क्रोशिया, और ये तीनों तीनों ये जो है ना हमारा फंदा, इसको तीनों का हम निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे आठ चेन बना लेंगे। देखिए चार हुआ, पाँच छः सात और ये आठ, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर इसे यहाँ पे हम पाँच का पफ बनाएंगे, और जब हम पफ बनाने लगेंगे ना तो ये वाला जो धागा है मैं ऐसे अंगूठे से दबाना है, नहीं तो हमारा ना वो सिकुड़ जाता है। ऐसे हम खींचेंगे जब धागा को तो ऐसे अंगूठे से दबा लेंगे, ठीक है, और नहीं तो हमारा वो खींचा जाएगा और फिर वो हमारा फंदा छोटा हो जाएगा, बराबर हमारा पफ नहीं बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसको हम फिर से, ये देखिए पाँच का पफ बना के, और ये हम देखिए फिर से रिपीट मैंने वही किया, और फिर यहाँ पे जो स्टार्टिंग में चेन है उसको हम लेंगे और ये स्लिप स्टिच करेंगे और आठ फिर से चेन बना लेंगे, तीन चार पाँच छः सात और ये आठ हो गया हमारा। अब फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दो तीन को छोड़ा और इस वाले में हम फिर से दो डबल क्रोशिया करके और एक साथ निकाल लेंगे फंदे को, ठीक है। ये देखिए तीनों फंदों को हम एक साथ ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। फिर से वही रिपीट करेंगे। तो ये हमारा थॉल पोस्ट कंप्लीट हो गया है।
हम यही वाला पूरे में बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम पूरे में बना लेंगे और ये हमारा थाल पोस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमें ज़रूर बताएं आपको ये मेरा थाल पोस कैसा लगा फ्रेंड्स, और बनाने में आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।